जेनी, भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको मेरे भैया को जो कहना है आप कहें, लेकिन मुझे यहाँ रहना ही नहीं। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं। You think I have a home? जेनी, मैं तुमसे भी ज्यादा बेघर हूँ। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। ये इमारत जो मैंने इतने साल लगा के इतनी मेहनत से बनाई थी, ये जमीन दोज हो गई है। अब सिर्फ सड़क है, सिर्फ सड़क। हम दोनों में कोई फर्क नहीं। जेनी, अगर हम दोनों लड़े ना तो ये दुनिया हमें खा जाएगी। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैं सुन रही हूँ, आप बोले। अगर तुम मुझसे लड़ी तो वो औरत हमें खा जाएगी। तुम मेरे लिए लड़ोगी? मैं क्या लड़ूंगी आपके लिए? मैं तो अकेले नहीं लड़ सकी। तुम मुझे अकेले मत छोड़ना जेनी, मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। प्लीज नहीं रोए, प्लीज जेनी। वो मेरे सामने खड़ी थी और उमर उसके साथ था, बिल्कुल नजदीक। छोटा फरेब आदमी मुझे कॉल करके कहता है कि कोमल, मेरी जान, मैं ऑडिट में बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। हमारी एनिवर्सरी वाली रात वो उस मनहूस औरत के साथ था। ये सबको देख के मैं जिंदा कैसी हूँ? मैं कैसी हूँ जिंदा? ये सब कुछ देख के मैंने कूदना चाहा तो फलजा की कॉल आ गई। उसकी मोहब्बत मुझे जिंदगी की तरफ वापस छीन लाई। भाभी, तो आपको भैया का गिरेबान पकड़ना चाहिए था। उनसे पूछना चाहिए था वो क्या सोच रहे थे, क्यों किया उन्होंने ये। मैं ये कर सकती थी, मैं ये कर सकती थी। उसको कह सकती थी कि तलाक दो उसको अभी, और इसी वक्त वो दे भी देता। जान निकलती है उसकी मेरी शक्ल देख के। तीन लफ्ज से ना वो बोल देता। भाभी, तीन लफ्ज तो हैं, लेकिन वो तो वो आपको भी बोल सकते थे। After all, आप भी उनकी बीवी हैं और वो भी उनकी बीवी है, और हो सकता है कि वो उसको नहीं छोड़ना चाहते। भाभी, वो माँ बनने वाली है, भैया उसको क्यों छोड़ेंगे? भाभी, I'm so sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। भाभी, I'm so sorry. भाभी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या औकात है मेरी उस सड़क छाप के साथ? मुकाबले में खड़ा कर दिया तुमने मुझे, तीन बोल बोल के बांध दिया मुझे कि मैं अच्छी बीवी थी। मुझे अच्छी बीवी नहीं होना चाहिए, तो मुझे मर जाना चाहिए। नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं?